हेलो गाइस, मैं पूजा गुप्ता अगेन आप लोग का वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ स्त्री में। आज का जो हम लोगों का प्लान है वो है मार्केट जाने का, और लखनऊ में तो बहुत सारे ऐसे मार्केट है जो कि बहुत ज़्यादा जाने माने हैं, जैसे अमीनाबाद और हज़रतगंज। तो आज हम लोग जाएंगे, कहाँ जा रहे हैं दीदी? हजरतगंज के लव लेन मार्केट। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। हाँ दी, फर्स्ट टाइम जा रही है, और मैं तो इससे पहले कई बार गई हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जब आपका आप जैसा शॉपिंग करना चाहते हो वैसा आपको सामने वाला मिल जाता है जो बहुत इंटरेस्ट लेके शॉपिंग करता है, तब तो मज़ा दोगुना हो जाता है। तो चलेंगे हम लोग, और अभी हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं। सो दीदी, क्या क्या लेना है, कुछ सोचा है कि वहाँ चल के ही डिसाइड करें? मैं तो मेन स्वेटर शॉपिंग करूँगी, अनिका, राज और फिर मेरे लिए। तो मैं भी ऐसा सच कुछ सोच के नहीं जा रही हूँ, लेकिन अगर मार्केट जाओ तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी सारी चीज़ें दिखती हैं तो आता है कि ये ले लूँ वो ले लूँ। तो चल के देखते हैं क्या क्या है और हम लोग क्या क्या लेते हैं। हम केवल दो लोग जा रहे हैं, अनिका भी नहीं जा रही है, और क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है तो उसको लेके जाना भी सही नहीं है, और थक जाती है वो, तो फिर उसको हम लोग संभाल लेंगे, कि फिर अनिका की भी केयर करनी होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि चल के आज की शॉपिंग हम दोनों ही कर लेते हैं, उसके बाद अनिका को लेके चला जाएगा। तो हम लोग का वैगनर आ चुका है और अब हम निकल रहे हैं हज़रतगंज के लिए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं लव लेन मार्केट हज़रतगंज। ये देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तो। और मैंने अभी कुछ भी परचेज नहीं किया है, क्योंकि अभी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है, और मे बी नवंबर लास्ट तक बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो अभी केवल दीदी की शॉपिंग होगी, हम लोग एक बार फिर आएंगे लवलेन, और अभी मैं और सर्च आउट कर रही हूँ, अभी हम लोग मार्केट में ही हैं, क्योंकि मुझे शादी के लिए साड़ी भी लेनी है। तो दीदी की चॉइस भी बहुत बहुत प्यारी है, तो चलते देखते हैं साड़ियाँ मिलती है या नहीं। दो दही भल्ले थे? नहीं, एक ही था यार। तो हम लोग रॉयल कैफ़े के पास है, और यहाँ पे हम लोगों ने टिक्की खाया, और काफ़ी टेस्टी बनाता है। मैं इससे पहले भी जब भी यहाँ आई हूँ मैं ज़रूर खाती हूँ, यहाँ की टिक्की जो होती है वो घी में बनाई जाती है, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। तो आज मैंने दी को भी टेस्ट कराया, बढ़ा लिया, बहुत तो अच्छा है, पर दही ज़्यादा हो गया। दही भल्ला भी ले लिया। दही भल्ले में आपको पता है पनीर भी पड़ती है, हम लोगों को अभी पता चला। उनने तो खा लिया है, अब लेके जाना है डॉक्टर साहब और अनिका और भैया के लिए, क्योंकि अनिका को बहुत टिक्की पसंद है। अगर वो ब्लॉग देखेगी तो वो गुस्सा करेगी, इससे पहले हम लोग पहले पूरी तैयारी से जाएंगे, उसके लिए टिक्की पैक करवा के लेके जाएंगे। हम लोग टिक्की खाने के बाद सोचा हम कि मेट्रो का सफ़र कराती हूँ दीदी को। सो मेट्रो के सफ़र के लिए निकल चुके हैं, अब टिकट काउंटर पे जा रहे हैं, हम लोग टिकट लेंगे, फिर मेट्रो से हम लोग जाएंगे पॉलीटेक्निक और टिकट लेके आपसे मिलते हैं। तो ये रहा हम लोगों का टिकट, और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ, और इधर से निकलने के बाद मैं आप लोगों को आगे की अपडेट देती हूँ। अभी सिक्योरिटी जांच के लिए जा रहे हैं हम लोग। ये आ गया हमारा स्टेशन, ये बोर्ड है मुंसीपुलिया की तरफ जाने का, और हमारा मेट्रो भी आ रहा है, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हमारा मेट्रो भी आ गया है। सालों बाद मेट्रो में बैठी, दिल्ली में बैठी थी, उसके बाद 5-6 साल बाद।
मैं अभी कोविड के बाद अब बैठी हूँ। एक बार बैठा था मैंने वो जब मैं आई थी मुंबई गई थी तब तब एकदम खाली था, मॉर्निंग में ही गई थी तब तब के बाद अब के बाद हमें लगता है बार 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 तो हम लोग आ गए हैं भूलनाथ मार्केट और यहाँ पे चल रहे गुलगप्पा पार्टी, फुल्की खाया हम लोगों ने, अब निकल रहे हैं घर के लिए फिर काफ़ी लेट हो चुका है। मिल गया ई रिक्शा और ई रिक्शे से हम लोग जा रहे हैं बीबीडी तक, तो मिल गई है आगे देखते हैं, अगर ये बीबीडी के आगे जाएगी तो इसी से हम लोग घर जाएंगे और अगर ये बीबीडी तक गई तो फिर डॉक्टर साहब और भैया आएंगे हम लोगों को लेने के लिए। और यहाँ पे लगी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैफिक, ये देखिए आप बचना हो तो आफ्टरनून में निकलो, इवनिंग तक घर पहुंच जाओ और अगर आप शाम में फंसे तो फिर तो फंसे रह जाएंगे हम लोगों की जैसे। अब हम लोग देखते हैं कब तक पहुंचेंगे घर क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाली जो है ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो ई रिक्शा से अब हम लोग घर पहुंच गए हैं और घर पहुंच के दिखाऊंगी दीदी ने जो भी कपड़े लिए हैं अपने लिए। ये है कौन सा चाट था यार, बास्केट चाट था जिसको पूजा ने बहुत ही बेरहमी के साथ इसके जो है कटोरे को काट दिया है, बास्केट के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और ये डॉक्टर साहब को खाना है आलू। तो बास्केट को इतने बुरी तरीके से काटने की क्या जरूरत है। तो अब देखते हैं दीदी ने जो जो शॉपिंग की थी वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। कोई और नहीं देख रहा आप देख लो, शोल्डर देखो आप देख नहीं पाओगे, मैं फील करवाती हूँ। यहाँ पर स्पॉन्ज लगाया है, ये मुझे मिला है 300 रुपए में, बहुत नाइस कलर है। उसके बाद ये ब्लैक वाला मुझे मिला है सिर्फ 200 रुपीज में विद लॉट्स ऑफ बीड्स और काफी मोटा है और 200 रुपए का बहुत अच्छा मिला, ऐसे नहीं मिलता फॉर श्योर। और ये ग्रे कलर का लीवा का लॉन्ग वाला स्वेटर और कलर कॉम्बिनेशन आप देखो कितना प्यारा है, ये मुझे 300 का मिला है। और अगेन एक ऑरेंज कलर का ये लॉन्ग है काफी और पोलो नेक है, ये भी मुझे 300 का मिला है। तो ये थी आज की शॉपिंग और अब इसके साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और आप लोग को मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बाय बाय गाइस।